किशनगढ़ बाद स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव। खेलकूद प्रतियोगिता क्रिकेट में राहुल गिरवास की टीम ने किशनगढ़ बास की टीम को हराकर ट्रॉफी जीती है। क्रॉस कंट्री रेस पुरुष में प्रथम स्थान के विजेता लोकेश चौधरी रहे, द्वितीय स्थान प्रेमजीत सिंह और तृतीय स्थान पर करण रहे। इस दौरान सभी विजेता खिलाड़ियों को आयोजनकर्ता राम यादव ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता आयोजक राम यादव ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता में क्रिकेट में विधानसभा क्षेत्र की 118 टीमों ने भाग लिया, क्रॉस कंट्री में 600 युवकों ने भाग लिया। समापन समारोह में क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम राहुल गिरवास को प्रथम पुरस्कार राशि 1,11,000 रूपए और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। द्वितीय पुरस्कार राशि किशनगढ़ बास की टीम को 71,000 रूपए और ट्रॉफी दी गई। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज को स्मार्ट मिलिट्री मीडिया मोबाइल और ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता राम यादव ने क्रॉस कंट्री महिला एवं पुरुष के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 7100 रूपए और ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 5100 और ट्रॉफी और तृतीय पुरस्कार 2100 और ट्रॉफी, चतुर्थ से 6 तक 1100 और ट्रॉफी, 7 से 20 तक आकर्षक लोवर और ट्रॉफी से पुरस्कृत सम्मानित किया गया। साथ ही पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्ट्रांग मैन विनर 5100 रूपए और ट्रॉफी, प्रथम पुरस्कार 2100 और ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 1100 और ट्रॉफी और तृतीय पुरस्कार 500 और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर प्रतिभावान एवं विजेता खिलाड़ियों को निर्वाणा ग्लोबल स्कूल खैरतल, स्नेह फाउंडेशन किशनगढ़ बास, रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस अकेडमी के संस्थापक राम यादव ने सम्मानित किया। समापन समारोह में राम यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत युवाओं का देश है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भाग लेकर के अपने शारीरिक बल को बढ़ाएं और देश की सेवा करें। युवा ही किसी राष्ट्र की मूल शक्ति होते हैं, इसलिए अपनी शक्ति का सदैव स्मरण रखें और सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगाएं। खेलकूद न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन की एकाग्रता और पठन पाठन में एकाग्रता के लिए भी आवश्यक है। खेलकूद में प्रतिस्पर्धा से ज्यादा प्रतिभागिता जरूरी है। राम यादव ने कहा कि आज बड़े गर्व का विषय है कि किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने उम्दा प्रदर्शन किया और हमारे प्रयासों को सार्थक किया। राम यादव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सर्वराम्य खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर कर्तव्य पालन का पहला साधन है। कालिदास का ये कथन पूर्णतः सत्य है। सच्चा खिलाड़ी हानि लाभ, यश अपयश, सफलता असफलता को समान भाव से ग्रहण करने का अभ्यस्त हो जाता है। खेलों में भाग लेने से तन मन की शक्ति के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता का समापन नहीं, आरंभ है। भविष्य में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और किशनगढ़ बास विधानसभा के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करते रहेंगे।